एक कटोरी मूंग की दाल में 2 चम्मच उड़द की दाल डालकर इसमें से 2 से 3 घंटे के लिए भिंगोने के लिए रख दूंगी और फिर से ग्राइंड में पीस लूंगी। अब ये दाल पिस चुकी है, अब इसे मैं अच्छे से फेंट लूंगी। पकौड़े की दाल भी पूरी तरह से फिट चुकी है, देखिए फिटने के बाद ये अपने आप ऑटोमेटिकली बिल्कुल देखिए कितनी हल्की हो जाएगी और थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी। मैंने इसके अंदर कुछ नहीं डाला है, सिर्फ फेंटा है। केवल फेंटने से ही ये जो पकौड़ी हैं वो सॉफ्ट हो जाएंगी। मैंने इसके अंदर कुछ नहीं डाला है, बस इस तरीके से फेंटा है और ये बिल्कुल हल्की हो चुकी है। अब हम इसकी पकौड़ी बनाएंगे। पकौड़ी बनाने के लिए मैंने रिफाइंड ऑयल चढ़ा दिया है और किसी भी कढ़ाई में, आप किसी भी कढ़ाई में चढ़ा सकते हैं। और बस ये लो टू मीडियम फ्लेम पे है। अब मैं थोड़ा सा गर्म हो चुका है, अब ये पकौड़ी को थोड़ा सा फेंट के अब मैं इसके अंदर डाल दूंगी। थोड़ा सा मीडियम पे ही रखिएगा और बस इस तरीके से 3 उंगली की सहायता से। ये पकौड़ियों के लिए मैंने थोड़ा सा पानी ले लिया है। पानी इसलिए लिया है, ये पानी मैंने सिंपल पानी लिया है, यानी कि आप पीने का आरओ पानी कोई सा भी ले सकते हैं। उसमें थोड़ा सा नमक डाल दीजिए। ये पकौड़ियाँ जब हम उतारेंगे तो वो पहले प्लेट पर उतारने के बाद हम इसके अंदर डालेंगे, वो इसलिए ताकि जो उसमें एक्सेस ऑयल होगा तो वो दही पर नहीं आए। जब दही में भिगोएंगे तो वो एक्सेस ऑयल जो होगा वो दही में आ जाएगा, इसलिए हम इस पानी में डालने के बाद थोड़ा सा सोख कर लेगा। जब पानी अच्छी तरह से भींग जाएगा तो वो अपने आप ऑयल छोड़ देगा, उसके बाद तब हम दही में डालेंगे क्योंकि दही में एक्सेस ऑयल नहीं आएगा। तो बस अब ये थोड़ी सी अभी और सीखने देते हैं इसे। ये पकौड़ियाँ भी हो चुकी हैं, बस थोड़ा गोल्डन ब्राउन तक रखना है हमें, ताकि जो ये पानी में डालने के थोड़ी वाइट हो जाएंगी, इसलिए अब हम इसे उतार लेंगे। ये आने में थोड़ी सी पकौड़ी डाल देंगे और थोड़ी सी हम इसे स्टोर करके रख सकते हैं 3 से 4 दिन। आप किसी भी एयर टाइट डिब्बे में बंद करके फ्रिज में रख सकते हैं और फिर जब भी आपको खानी हो थोड़ा सा गुनगुना पानी कीजिए, थोड़ा सा नमक डालिए और इन पकौड़ियों को डालने के बाद जो इसका एक्सेस ऑयल है वो हटा दीजिए। उसके बाद हमें दही में डाल के इसे खाना है। तो बस मैंने पहले इतनी भिगोई है, उसके बाद मैं इसे अभी रख देती हूँ। अब ये 10 से 15 मिनट इसे ऐसे ही सोक होने दूंगी। ये दही मैंने घर में ही जमाया है और देख सकते हैं आप कितना चिकना दही है और कितना गाढ़ा है। तो यदि आपको भी इतना ही गाढ़ा और इतना स्मूथ दही जमाना हो तो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं, और आपके पास जामन नहीं है तो भी आप उसकी वीडियो देख सकते हैं कि आप बिना जामन के भी दही को किस तरीके से जमा सकते हैं। तो ये मैंने दही जमा दिया है इस तरीके से। अब ये सभी पकौड़ियों को मैं थोड़ा थोड़ा हल्का सा इसका पानी निकाल लूँगी और इनमें डाल दूँगी और बस दही में ऊपर नीचे करके चला के 10 से 15 मिनट के लिए फ्रिज में रख दूंगी, ताकि ये दही इसके अंदर से अच्छी तरह से फेल हो सके इन पकौड़ियों के अंदर, और उसके बाद मैं इसे सर्व करूंगी। तो यदि आपको भी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। 4 से 5 घंटे हो चुके हैं और ये दही में पूरी तरह भींग चुकी है। अब मैं इसके ऊपर क्या क्या सामान डालूंगी वो दिखाती हूँ। ये सौंठ है, इसकी रेसिपी आपको चाहिए तो ऊपर लिंक बटन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। ये चटनी है, चटनी आप 8 से 10 दिन किस तरीके से ग्रीन रख सकते हैं और एकदम फ्रेश, तो उसके लिए आपको वीडियो चाहिए तो ऊपर लिंक बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। ये मैंने बॉयल आलू है, उसको महीन महीन काट लिया है छोटा छोटा। थोड़ा सा धनिया है, ये नमक है, ये जीरा भुना हुआ जीरा है, जीरे को मैंने थोड़ा सा सॉटेड कर लिया है, और ये मिर्च है, लाल मिर्च ले सकते हैं, चाट मसाला भी ले सकते हैं। थोड़ी सी इस पर आलू डालूंगी, आलू का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो बाज़ार वाले जो होते हैं वो टिकिया वाले आलू डाल देते हैं थोड़े से, तो उनका भी टेस्ट होता है। चाहे आप इसमें चटनी भी डाल सकते हैं, नमक और चटनी वगैरह भी डाल सकते हैं। और ये इस पर सौंठ डालूंगी मैं, ये देखिए सौंठ का आप टेक्सचर देख सकते हैं कितनी गाढ़ी है। सौंठ थोड़ी सी इसी तरीके से थिक होनी चाहिए, अगर आपने थोड़ी भी पत्ती ले ली तो रुकेगी नहीं, वो सीधे नीचे की तरफ चली जाएगी और उसका जो टेस्ट है वो ख़त्म हो जाएगा, इसलिए हमें थोड़ी सी सौंठ इसमें गाढ़ी ही डालनी है। बस
सब थोड़ी सी चटनी डालेंगे हम, नमक हल्का सा बिल्कुल, और थोड़ी सी लाल मिर्च और थोड़ा सा भुना जीरा और ये हरा धनिया। ये देखिए लखनऊ की मशहूर दही फुल्की चाट बनके तैयार है। इसे आगरा में दही पकौड़ी भी कहते हैं। ये बहुत ही मशहूर है। यदि आपको भी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी।